हम सभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लास 3 साइंस चैप्टर 1.4 आपका होता है एनिमल स्मॉल एंड बिग। इसमें हम लोग एनिमल स्मॉल एंड बिग में आज हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। क्वेश्चन आंसर में हम लोग ने वन का ए से लेकर के हम लोग ने डी तक का क्वेश्चन आंसर कर लिया था। अब ई नंबर हम लोग का है हाउ कैन वी बी सेफ फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट, खतरनाक जानवर इंसेक्ट से हम लोग कैसे बचेंगे, ये हम लोग जो जानना है हमें। तो इसका जवाब आपका दिया हुआ है इंसेक्ट नेचर में। ये पेज नंबर आपका होने वाला है पेज नंबर 27 पेज नंबर में देखेंगे इंसेक्ट से हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है मॉस्किटो के बारे में दिए कि दे कॉज डिजीज कॉल डायरिया डिसेंट्री कॉलरा, ये सबसे नीचे होते हुए आपके देखिए यहाँ पे दिया है वी कैन प्रिवेंट देम बाय कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन कीपिंग फूड कवर्ड ईटीसी। तो ये इसका आंसर में हो जाएगा हम लोग इंसेक्ट से बचने के लिए वी कैन प्रिवेंट देम बाय कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन कीपिंग फूड कन्वर्टेड ईटीसी, ये हम लोग कर लेंगे। चलिए इसके बाद से आपका क्वेश्चन आंसर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। डी हो गया, ई नंबर हो गया, अब एफ नंबर व्हाट आर रेप्टाइल, रेप्टाइल किसे कहते हैं, रेप्टाइल कौन से होते हैं जानवर जिन्हें रेप्टाइल कहेंगे। तो देखिए रेप्टाइल के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है रेप्टाइल इज़ अ ग्रुप ऑफ एनिमल विच क्रावल, ठीक है, या विच कैन क्रावल ये लिख सकते हैं आप। रेप्टाइल उन जानवरों के समूह को कहते हैं जो क्रावल कर सकते हैं, ठीक है, जो क्रावल करते हों उन्हें हम लोग रेप्टाइल कहते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं इन दिस ग्रुप सम आर बिग एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल बट सम आर स्मॉल लाइक लिजार्ड, ये आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। या एक लाइन जो मैंने आपको बताया रेप्टाइल इज़ ए ग्रुप ऑफ एनिमल विच कैन क्रायल, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो उसमें कैन केवल डालना रह गया, ठीक है, जो आप डाल लीजिएगा लिख लीजिएगा सी एन कैन। अब आइए यहाँ पे वाट आर रेप्टाइल हो गया, वाट डू बर्ड यूज़ देयर क्लाव फॉर, क्लाव का इस्तेमाल क्या करते हैं। तो यहाँ पे क्लाव का इस्तेमाल दिया हुआ है, ठीक है, बर्ड वॉक एंड प्रीच ऑन ट्री विथ देयर फीट, लिखा है तो फीट की जगह आप क्लाव कर दीजिएगा, ठीक है, पंजा या क्लाव एक ही चीज़ होता है तो आप फीट को हटा के क्लाव कर दीजिएगा हो जाएगा। चलिए अब आगे है आपका राइट द फीचर्स दैट मेक बर्ड डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स, उन फीचर्स को बताना है जिससे चिड़िया को हम लोग अलग करते हैं किसी और जानवर से, वो क्या क्या फीचर हैं। तो फीचर में आपका आ जाएगा देखिए बर्ड्स में क्या फीचर्स होते हैं, तो फीचर्स आपके कुछ फीचर्स दिए हैं जो आपसे याद हो सकता है जितना उतना ही लिखिएगा, ठीक है। फीचर्स देखिए ये दिया हुआ है, देखिए ये आपके फीचर्स इस तरह से दिए हुए हैं, पेज नंबर मैं बता दे रहा हूँ आपको पेज नंबर 27 है, ठीक है। बर्ड हाउ बर्ड डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स करके दिया है ना, तो आप लिख सकते हैं ये सब जो बातें हैं, ठीक है। तो इसके आंसर में आपको लिखना है बर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स एज, यस एज करके आपको ये तीन बातें चार बातें या पांचों बातें याद हो जाती, क्योंकि तीन बातें इधर दी हुई है और दो बातें इस पेज के बाद जो वाले पेज में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ ऊपर की तरफ, ठीक है, देखिए बर्ड आर द ओनली एनिमल्स विच विथ फीदर ऑन देयर विंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई,
बर्ड वो ऐसे चिड़िया होती है जिनके फीदर विंग्स लगे होते हैं, दे हैव टू लेग्स, उनके दो पैर होते हैं, टू विंग्स एंड अ बीक, उनको दो पैर दो पंख और एक चोंच होता है, ठीक है, ये सब बातें हैं, दिस देयर बॉडी इज बोट शेप, ये सब बातें आप लिख सकते हैं। मैं पांचों बात बता देता हूँ जो आपको तीन सही लगे याद कर सकते हैं, आप उसको आप याद लिख लीजिएगा। दे हैव ए स्ट्रॉन्ग एंड लाइट बोन्स, उनके मजबूत और हल्के बोन होते हैं। दे हैव ए स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल्स, उनके चेस्ट मसल्स काफ़ी मजबूत होते हैं। दैट हेल्प टू फ्लैप द विंग्स अप एंड डाउन, उनके पंख को ऊपर नीचे करने के लिए ये चेस्ट मसल्स होते हैं। चलिए व्हाट साउंड डू बर्ड्स मेक, बर्ड किस तरह की आवाज़ को पैदा करती हैं। देखिए बर्ड के साउंड्स को यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, बर्ड्स के साउंड दो तरह के होते हैं, ठीक है। यू ऑल मस्ट बी हैड बर्ड क्रीपिंग, बर्ड यूजुअली कम्युनिकेट विथ टू टाइप साउंड, इसको शॉर्ट करके लिखना है, ठीक है। चिड़िया जो है वह आपके दो तरह की आवाज़ निकालने में सक्षम है, दे मेक अ कॉल विच इज सिंगल साउंड लाइक अ स्क्वैक दैट इज ऑफन रिपीटेड, और बर्ड सिंग अ सॉन्ग विच इज सीरीज ऑफ नोट फॉलोज एज अ डिफाइंड पैटर्न। तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं, यहाँ तक लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है, पैटर्न तक, ठीक है, बर्ड से लेकर के, बर्ड्स से लेकर के पैटर्न तक आपका आंसर हो जाएगा, बर्ड्स से लेकर के पैटर्न्स तक, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज माइग्रेशन, व्हाई डू बर्ड माइग्रेट, माइग्रेशन किसे कहते हैं और बर्ड माइग्रेट क्यों हो जाती है। माइग्रेशन के बारे में हम लोग जानेंगे, माइग्रेशन के बारे में सबसे लास्ट में दिया हुआ है, यहाँ पे ही दिया हुआ है आपका माइग्रेशन, ठीक है, और माइग्रेट क्यों हो जाते हैं ये भी दिया हुआ है। तो आपको इसके आंसर में इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, सम वर्ड्स से करना पड़ेगा, सम बर्ड्स लाइक साइबेरियन क्रेन एंड आर्कटिक टर्न फ्लाई टू वार्म प्लेसेस व्हेन इट बिकम डिफिकल्ट टू फाइंड फूड ड्यू टू कोल्ड वेदर, दिस मोमेंट ऑफ बर्ड फ्रॉम कोल्ड वेदर टू वार्म प्लेसेस एवरी ईयर इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो इसका आंसर आपका सम बर्ड्स से लेकर के माइग्रेशन तक हो जाएगा, ठीक है, सम बर्ड्स से लेकर के आपका माइग्रेशन तक हो जाएगा। चलिए तो आज की पढ़ाई में इतना ही, इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।